हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी का निम्ब्लॉग में स्वागत है और आप सभी को हैप्पी हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। और खिचड़ी भी, तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति भी है आज ही और खिचड़ी भी, तो भगवान का आशीर्वाद से ही मैंने आप सभी का से ब्लॉग शेयर किया है दोस्तों। तो भगवान की पूजा मैंने कर ली है और आज के दिन दही चूड़ा गुड़ हमारे यहाँ काफ़ी मान्यता रखता है और तिलकेट, तो बस भगवान को मैंने प्रसाद लगाया। उसके बाद मैं जा रही थी मंदिर, तो बेटी यहाँ नहा के आ गई थी और उसके हाथ से मैंने चावल भी रखवा लिया था, जो भी नहा नहा के आ रहे थे ना उससे मैंने चावल रखवा रही थी दान करने के लिए। और यहाँ पे ना मंदिर आ गई हूँ, बेटी भी साथ में आई है, तो बस आज का दिन काफ़ी दिनों के बाद मंदिर आ गई, यानी 2-3 दिन से मंदिर नहीं आ रही थी, बीमार सिमासा चल रहा था ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज भगवान के आशीर्वाद लेके आती हूँ और दही चूड़ा का प्रसाद भी लगा के आती हूँ। तो मैं यहाँ पे पूजा वूजा कर लूँगी दोस्तों, फिर मिलती हूँ आप सभी से घर में दोस्तों। तो पूजा करती हूँ, और पूजा करके जैसे आई ना, तो यहाँ पे ब्राह्मण के लिए मैंने ना चूड़ा गुड़ दही और जो तिलकुट है ना, जो तिल के सामान इनके पापा लाए थे, सभी चीज़ों को मैं रख रही थी। और एक थाली में मैं चावल, जिन जो हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं उनके हाथों से, और मैं ना इतना रखना है कि एक इंसान का खाना भरपेट हो जाए, तो उसमें मैं सब्जियाँ भी कुछ रखूँगी। तब तक मैंने इतना निकाल लिया था और सभी लोग तिलकेट के खाने के लिए वेट कर रहे थे, तो मैंने ना यहाँ पे आगे ब्राह्मण के लिए निकाल लिया था। और सभी लोगों ने, हम लोगों ने तिलकेट भी लिया था, बड़ों का आशीर्वाद भी ले लिया है, और ना बस हम लोग तिलकेट और दही चूड़ा खा लिए थे। और आज के दिन हमारे यहाँ दही चूड़ा गुड़ खाने का भी नियम है, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सभी लोगों ने खा लिए थे। और आ गई किचन, तो सुबह से आज भागम भागी वाली काम चल रही थी मेरी, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल है, इसमें मैंने डाला था चावल का आटा, दूध और ना चीनी और इलायची, इसमें ना मैं कुछ बनाऊंगी। तो स्टफिंग बना रही हूँ क्योंकि पीठा बनाना है मुझे, और आज है मकर संक्रांति, तो कुछ तो पीठा बनना ही है तिल वाली, तो बस मैं यहाँ पे ना ये वाली बना रही हूँ, इसको ना हम लोग ना चाची बोलते हैं। और इधर मैंने चूल्हा जलने के लिए दे दिया था, ये चूल्हा मेरी जल चुकी थी, और मैं आज बनाऊँगी तिल वाली पीठा और वो चाची वाली, जो मैं आपसे भी इसे शेयर भी करूँगी दोस्तों। और हमारे यहाँ ना 15 को ही मकर संक्रांति और खिचड़ी भी मनाई जा रही है, तो मैंने ना यहाँ पर मेरी चूल्हा जल गई थी और मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है, देखिए दोस्तों ये गरम होने के लिए। और इसमें मैं एक कपड़ा बांधूंगी कॉटन वाली, तो इसके पापा की हेल्प चाहिए। और मैंने चावल का आटा भी गूंद लिया था, तिल भी मैंने गुड़ देके उसका तिल को भी फ्राई करके गुड़ डाल दिया था, जो मैं आप सभी को नहीं दिखा पाई दोस्तों। तो मैंने ना यहाँ पे कपड़ा बांध रही हूँ कॉटन वाली, और ये भाप से पन्ने वाली पुआ है, तो बस इनकी पापा की हेल्प चाहिए, तो वही मैंने कहा कि थोड़ा सा बांध दीजिए, क्योंकि जेंट्स लोग होते हैं ना इतने कड़े बांधते हैं ना हम लेडीज़ों के मामले में, तो बस उनकी हेल्प चाहिए थी। तो ना हमारे गांव में ना ये पुआ ना हमारी दादी सास और मेरी सासू माम बनाती थी, और मैंने उन्हीं से सीखा है। और ये पुआ उसके महीने यानी मकर संक्रांति से लेकर बसंत पंचमी तक ये पीठा बनती है, जो नियम वाली पीठा होती है दोस्तों, ये हमारे मायके में नहीं होती है। मैंने यहाँ अपने यहाँ ससुराल में दादी से और मैं अपने सासू माँ से सीखा है, और ये ना वो लोग ना मिट्टी वाले जो घड़े आते हैं ना उनसे ही बनाते थे, लेकिन मैं यहाँ पे इसी से बनाऊँगी। यानी मेरी सासू माँ ना यहाँ पे रहती थी ना, तो रहती है ना, तो ये ऐसे ही बनाती है टेची से, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। तो बस आज मैं ना अपनी सास दादी वाली पुआ भी बनाने के लिए फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देखती हूँ कैसा बनता है दोस्तों। और यहाँ पे बेटी ना मार्केटिंग करके आ गई थी, यानी पापा से पतंग वतंग क्या क्या लेके चली आई थी, और बेटा कल ही खरीद लिया था, वो मुझसे ले लिया था और बेटी अपने पापा से, तो बस दोनों का भी पतंग ही चल रही थी। और यहाँ पे मैं पीठा बना रही थी, बच्चों लोगों ने दही चूड़ा खाए थे, हम लोगों ने हल्के हल्के से ही खाए थे क्योंकि ठंड है ना इसलिए। तो बस ये देख सकते हो मैं बना रही हूँ चावल का, ये आटा है मैंने जो गर्म पानी से ना ये आटा गूंदा था, और ये देखिए छोटे छोटे मैंने ना हल्का सा लोई लूँगी और उसको कटोरी की शेप बनाऊँगी। और इसमें ना जो स्टफिंग बनाई थी मैंने तिल वाली, तिल और गुड़ का, और ये जो दूध का, तो इसको मैं एक बार आधी उसमें बनाऊँगी और आधी तिल वाली बनाऊँगी, तो दोनों ही भर के मैं बना रही हूँ। और ये पीठा काफ़ी अच्छा भी लगता है, तो ये पीठा हमारे यहाँ ना नियम वाली पीठा बोला जाता है, जब कुछ भी होती है ना
गांव में तो ये पिठा नहीं बनती है, और इस बार बन रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना बनाऊँ मैं भी, क्योंकि बहू बेटी होती है ना, अपने जो भी गांव में रीति रिवाज है ससुराल वाले सभी चीज़ों को ही फॉलो करती हैं बेटी बहू। तो दोस्तों मैं भी वही लग गई हूँ, और आज सुबह से ही भागा भागी में ये पुआ बनाने के लिए मैं तैयारी कर रही थी। तो बस यहाँ पे ना एक मैंने तिल वाली भरी है और एक दूध वाली। तो दोस्तों ये ना इसमें तेल तलने की झंझट है ना इसमें कोई भी छानने की, तो बस ये सिंपल सी बनती है भाप से। तो मेरे उधर ना पानी उबलेंगे तब तक ये मैं सारे रेडी भी कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने तिल का इसमें भरा है, तो आप इसमें ना दाल वाले भर सकते हो, आलू डाल के भर सकते हो, या नारियल के, बादाम के, कुछ भी डाल के बनाओ, काफ़ी टेस्टी लगती है और इसमें कोई भी खराबी भी नहीं करती है, क्योंकि ये भाप से ही पकती है ना। और ये चावल का आटा है दोस्तों, जो हम लोग चावल खाते हैं ना उसी का आटा। तो बस मैंने यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ रेडी कर लिए थे, और ये पानी भी मेरा काफ़ी अच्छा सा खोल भी रहा था, बस मैं इसके ऊपर में रख दूँगी। और इनके पापा ने कस के बांधा भी था अच्छा से, तो बस मैं इसमें डाल दूँगी, जितने भी आएंगे ना एक साथ काफ़ी बन जाते हैं। तो ना यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ, और दोस्तों फर्स्ट टाइम बनाई तो काफ़ी अच्छा भी बना था, टेस्टी भी लग रहा था। और ना ये मेरे मायके में ये पुआ नहीं बनती है दोस्तों, क्योंकि ये नियम वाली पुआ होती है ना, शायद हमारे मायके में ना हमारे दादी लोग नहीं बनाती थी इसलिए नहीं बनती है, और यहाँ पे हमारे यहाँ गांव में ना ससुराल में गांव में बनता है, तो मैं गांव से ही पूछ लेती हूँ फ़ोन से, और जब बनता है तब मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो दोस्तों ये बसंत पंचमी तक इसका मज़ा ले सकते हो हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी और लग गई हूँ। तो दोस्तों बस इसको स्टफिंग भरने में ही थोड़ी लेट लगती है, लेकिन बनने में लेट नहीं लगती है, आराम से ये झटपट से बन भी जाती है, जितना देर तक पानी खोलेगा ना उतनी स्पीड से ये पुआ बनती है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ और चेक भी कर रही थी, तो देख सकते हो हमारी पुआ बन के रेडी हो चुकी है, आप सभी को तिल भी दिख रहा होगा, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये पुआ, गर्म खाओ या ठंडा खाओ लेकिन अच्छा भी लगता है। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर चम्मच की हेल्प से ना सारे पुआ को उठा रही थी, और ये पुआ बन गई थी। तो बस मैं साजदाती वाली पुआ बनाने में सफल भी हो गई दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे पीठा मेरे तिल वाले पीठा बन के रेडी हो गए हैं, उंधी पीठा दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, और हमारी तो मकर संक्रांति हो गई है, तो हमारे इधर ना 15 को ही मना रहे हैं, बहुत कोई 14 को मना लिए हैं लेकिन हमारे इधर सब कोई 15 को ही मनाया है। तो दोस्तों दही चूड़ा आज हम लोग खाने का है, हम लोगों ने दही चूड़ा सभी लोगों ने खा लिए हैं, और दोस्तों यहाँ पे पता नहीं मेरे गाल में क्या हो चुका है, तो मेरी ना पिठा तो बना ली हूँ, और ना करूँगी वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, और आप सभी को हैप्पी 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 मकर संक्रांति दोस्तों। तो दोस्तों बच्चे लोग ना आज सुबह से ना पतंग उड़ाने में बिजी हैं, और इनके पापा भी गए हैं तो हवा नहीं है, लेकिन पतंग जो भी है पतंग उड़ा रहे हैं, और मैंने हमारे यहाँ दो कैलेंडर आ चुकी है, अब मैं इसको लगाऊंगी तो आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा, तो ये ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर है और इसी के हिसाब से मैं सारे काम करती हूँ। क्या है क्या भर दी, तो ये 2024 का आ गया है न्यू कैलेंडर, तो मैं इसको लगाऊंगी वहाँ पे, उसकी जगह खाली हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने इसमें ना अंकित की फ्रेंड को यहाँ से पिठा दी थी, पता नहीं वो क्या दे के भेजी है। तो उसने पुआ दिया है दोस्तों, तो दोस्तों अंकित की फ्रेंड की मम्मी ने दिया था, तो बस ये रख दे रही हूँ, कभी कोई लेने वाले नहीं, इनके पापा बोले मैंने बाद में लूँगी, तो बस वो भी नहीं लेंगे, इसको मैं ढक दे रही हूँ बच्चों लोग के लिए। तो दोस्तों मैंने आप सभी से जो भी बनाया है आप सभी से शेयर किया है, मकर संक्रांति, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए, पतंग उड़ाइए दोस्तों, तो हमारे बच्चे लोग तो उड़ा रहे हैं। और दोस्तों फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।